ये वर्ल्ड सिनेमा कार्ड लॉन्च हो रहा है और ताज इनलाइटन फिल्म सोसाइटी. आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे मैं जानती हूँ और मेरे जो दोस्त हैं, हम इंटरनेशनल सिनेमा के फैंस हैं और देखना चाहते हैं. सिनेमा में बहुत कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड कोट अनकोट देखने को मिलता है, लेकिन इस चैनल के जरिए आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी ऑन टेलीविजन चैनल्स जैसे कि NDTV Lumiere या वर्ल्ड मूवीज़. आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने आईपैड या फ़ोन पे. फिल्म फेस्टिवल्स को जा सकते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स एज वेल एज डोमेस्टिक फिल्म फेस्टिवल्स. आप प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मास्टर क्लासेस में मौजूद हो सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के साथ. तो एक कम्युनिटी बन जाएगी ऑफ यू नो पीपल सिनेफाइल्स, पीपल हु लव सिनेमा स्पेशली, क्योंकि बहुत कुछ देखने को है दुनिया में वर्ल्ड सिनेमा. You're talking about Enlightened Film Society that celebrated World Cinema Day today. Enlightened Film Society is extending the cause of world cinema by doing many things. One of the important things they do is to make accessible, make it possible for us to see films from all over the world. And that is very important, particularly if you wish to appreciate cinema. That's the only way you can appreciate serious cinema or good cinema, when you get to see films from different parts of the world. Because otherwise your view is very limited to the kind of films you see. You understand? The procedure to mujhe bhi nahi malum, lekin sabse bada advantage hai ki aap kisi bhi bade festival mein jao 50% straight discount milta hai. Matlab agar aap Venice ya Cannes wagera jaate hain, your ticket to watch movies, your pass will cost you $500-$600. Seedha 50% discount matlab बहुत पैसा बचता है. मुझे एक्चुअली थिएटर में फिल्म देखना सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आई थिंक कि फिल्म इसीलिए बनी है ताकि आप थिएटर में एक कम्युनिटी एटमोसफियर में देखें, पसंद करें. और जैसे आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में हमें तो सीटियाँ बजाना और लोगों से बात करना और बहुत इंटरेक्टिव जैसा एटमोसफियर बन जाता है जब हम फिल्म देखते हैं. और मैं फिल्म देखने के मतलब बहुत शौक रखती हूँ. मैं आई थिंक हफ्ते में 2-3-4 फिल्म तो देखती हूँ. अरे हम लोग को अपने फिल्म बनाने का स्तर ऊँचा करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. हम लोग अभी भी काफ़ी बचकानी फिल्में बनाते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग को थोड़ा सा मतलब आप भले ही कॉमेडी बनाइए एक्शन बनाइए, लेकिन वो और अच्छी हो सकती है. हॉलीवुड जैसे आप लोग मानते हैं कि जो भी फिल्म बॉलीवुड का नहीं हो वो हॉलीवुड का होता है. हॉलीवुड तो एक एक ही हिस्सा होता है वर्ल्ड सिनेमा का. मैं एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है ब्रिटिश सिनेमा का एक हिस्सा बनने का, इन लाइफ गोज़ ऑन जो एक ब्रिटिश प्रोडक्शन थी, अम्मा के साथ काम करने का मौका मिला. मैं एक और इंटरनेशनल प्रोडक्शन कर रही हूँ, एक कनेडियन प्रोडक्शन. तो अभी तक हॉलीवुड का हिस्सा नहीं बनी हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी मौका मिलेगा. ऑडियंस बदल गई है, ऑडियंस भी बदल गई है, सब कुछ बदल गया है. बस हमारे फिल्म मेकर्स को बदलना ज़रूरी है, हमें बदलना ज़रूरी है, हमको बदलना ज़रूरी है.